हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपका 10 दिन बाद लगभग ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम है, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी बीच में एग्जाम होगा या फिर 12 नवंबर के बाद एग्जाम होने वाला है, तो किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आप कह सकते हैं कि लास्ट मिनट में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वो समय होता है दोस्तों कि किसी भी एस्पिरेंट के लिए सबसे क्रूशियल टाइम है। ये समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसमें घबराहट होती है। तो इन सभी बातों को कि मैं आपका थोड़ा सा इस जो घबराहट है, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थोड़ी सी घबराहट आपकी कम हो जाए, आप रिलैक्स फील करें, अपना जो फोकस है, क्योंकि फोकस इस समय पर लगाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत क्रूशियल टाइम है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, तो कैसे करके आपका फोकस अपनी स्टडी पर बना रहेगा, इन बातों को, इन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने खुद अपने अपने ऊपर प्रैक्टिकल अप्लाई किए थे अपनी तैयारी के दौरान, उन्हीं सभी को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, क्या क्या काम आपको करने हैं इस समय पर, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। क्या आपको इस समय पर कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक छूट गया है उसको कैसे करके अगर आपको प्रिपेयर करना है तो करना है या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है, कितना घंटा आपको रिविजन करना है, कैसे रिविजन करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है रिविजन करते हुए, इन बातों पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके एक पॉइंट्स को डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो से तो लास्ट में जाकर के पूरा सुनने के बाद आप लास्ट में लाइक का बटन भी दबा सकते हैं, और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी कुछ हेल्प मिले उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला चीज़ है, देखिए यह है कि इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कशन ना करते हुए, बल्कि जो मेजर एरियाज हैं जो उनको डिस्कशन इस समय पर आपको करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं, आप हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। मुझसे क्लास में स्टूडेंट्स जो है पूछते रहते हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो बनाइए, उस पर एक लेक्चर लीजिए। किसी और एजुकेटर से भी आप यही बातें पूछते होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो, इस समय पर किसी से भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट मुझसे अनअकैडमी प्लस पर जुड़े हैं उन सभी को मैंने एक रिविजन कोर्स बना करके उसमें सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको मैंने डिस्कशन किया था। अब इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आप डिस्कशन करेंगे, हैं? तो सारे जितने भी नोट्स आपके पास हैं, अपने नोट्स पर इस समय पर भरोसा रखो, किसी से कुछ नया पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा सुन लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, चाहे मुझसे चाहे किसी और एजुकेटर से, तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो और कम हो जाएगा। इसको बरकरार रखना इस समय पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी से कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही इस समय पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास नोट्स में, आपके नोट्स में अवेलेबल है, किसी से नया नोट्स मत मांगो इस समय पर, ठीक है। जो आपके पास आपने खुद से नोट्स बनाए थे पढ़ के, कॉन्सेप्ट को समझ करके, वो नोट्स इस समय पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको केवल दोस्तों याद रखना है इस बात को, उनको ही केवल आपको रिविजन करना है, कोई भी नया चीज़ पढ़ने की इस समय पर जरूरत नहीं है। यही चीज़ मैं आपसे दूसरी बात कहने वाला हूँ, इस समय पर आपको कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया था, ठीक है। अब क्या करना है, उसी को बस जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करते चलो और उनको प्रैक्टिस करते चलो। प्रैक्टिस भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, मैं अभी प्रैक्टिस पर भी आऊंगा। उससे पहले कि आप रिवीजन कैसे करेंगे इस समय पर, अभी तक देखिए आप किस तरीके से रिवीजन कर रहे थे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको अपना एक सजेशन देना चाहता हूं। अगर आपको सही लगे तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं अपने पूरा अपने प्रिपरेशन में, अगर नहीं लगे तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे कुछ अच्छा मेथड होगा तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखो, आप इस समय पर कैसे करके रिवीजन कर सकते हैं, जैसा मैं क्या करता था, आप अपने नोट्स को लेकर के बैठिए, ठीक है, अपने स्टडी टेबल पर अपने नोट्स को लेकर के बैठिए। मान लीजिए आप, मैं ज्योग्राफी से एग्जांपल दूंगा आपको, कि जैसे आप मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी को आप रिवाइज कर रहे हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी में पूरी नोट्स को, एक नोट्स आपने, मैं समझता हूँ कि जियोमॉर्फोलॉजी का, क्लाइमेटोलॉजी का, ओशनोग्राफी का, इस तरीके से सेक्शन बना करके आपने नोट्स बनाए होंगे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी का आपने जैसे मान लीजिए रिवीजन करना है अभी, तो रिवीजन करते हुए जियोमॉर्फोलॉजी को लीजिए, लेकिन उसको खोलना नहीं उस नोट्स को,
उसको बंद रखना है। बस चैप्टर का नाम आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को पूरा ही आप अपने मन में आंखें बंद करके या फिर कैसे भी उसको पूरा रिवाइज करो। अब आपको देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस लास्ट स्टेज में, बस वहां पर आपको अपने नोट्स देखने हैं, लेकर के बैठना है, लेकिन देखने वहां पर है जहां पर आप रुक जाएं, जहां पर आपको चीजें रिकॉल ना हो। रिकॉल आपको करना है इस समय पर सारी चीजें, नोट्स लेकर के बैठो लेकिन अपने मन ही मन में उनको रिविजन करो, देखने की जरूरत नहीं है। देखना वहां पर है जहां पर आप उनको रुक जाते हैं, जहां पर आपको याद नहीं आता है, उसको फिर से रिवाइज करो। इस तरीके से एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, हर एक यूनिट को इसी तरीके से आपको रिविजन करना है। नंबर 30, आप नंबर इसका नेक्स्ट और जो रिविजन का तरीका हो सकता है वो ये है कि आप जब आप सोने जा रहे हैं, ये बात मैं बार बार कहता हूं, ये आपको शुरू से करनी चाहिए। जब आप सोने जा रहे हैं, अपना नोट्स आपने रख दिया है, पढ़ाई आपकी पूरी दिन भर की जो आपका टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या काम करें, अब आप सोने जब जा रहे हैं तो आराम से बैठ लेट करके आंखें बंद करके सारा जितना भी नोट्स था आपका उसको रिवाइज करो, उसको रिकॉल करो। इससे आपने जो दिन भर में पढ़ा है वो आपको याद होगा, कितना आपका जो माइंड से मिस हो रही चीजें वो आपको पता लगेंगी, उनको फटाफट से और शार्प करना है कल उठ करके, ये आपको दिमाग में आएगा। और ज्यादा से ज्यादा चीजें, क्योंकि आप जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो चीजें निकलती जाती हैं दिमाग से, क्योंकि आपने अभी दिन भर में पढ़ा है तो उसको केवल अभी रात में रिवाइज कर लोगे तो चीजें होल्ड में रहेंगी आपकी, ज्यादा चीजें नहीं निकल पाएंगी, है ना। दूसरी चीज क्या होगी इससे खास बात, कि आपकी रिकॉल करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में नोट्स लेकर के ढूंढना तो है नहीं एक क्वेश्चन का आंसर, आपको रिकॉल करना है, तो इससे रिकॉल करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। दो फायदे हैं, एक तो कम समय में क्योंकि चीजें कम निकली होंगी दिमाग से तो वो आपको फिर से रिवाइज हो जाएंगी, दूसरी चीज रिकॉल करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं जो मैं किया करता था, जिससे कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अब देखिए इस समय पर अपने स्टडी की आवर आपको बढ़ा देनी चाहिए, 8 घंटे 10 घंटे अगर आप पढ़ें तो ये भी सफिशिएंट, इतना आप करें, इतना आपको करना चाहिए। क्योंकि देखो केवल 2 हफ्ते भी नहीं बचे आपके पास, केवल 10 दिन की बात है, इन 10 दिनों में जितना कर सकते हो, जितना अपने आपको आप जोर दे सकते हो वो यही समय है, ठीक है। इसके बाद तो फिर आराम ही आराम है। अगर आप सोचेंगे कि इस समय पर भी वही 5-6 घंटा करेंगे तो इससे हो सकता है कि काम ना बने, 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा दोपहर में, 2-3 घंटा शाम को, फिर 1-2 घंटा रात में करेंगे तो 10 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको पूरा सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे लगातार बैठना है, बीच में ब्रेक लेते रहें, ब्रेक लेना भी जरूरी है, इस समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने, आपके स्वास्थ्य ने और आपके दिमाग ने ही उस दिन स्ट्राइक कर दी तो फिर आपकी 1 साल की 6 महीने की जो पूरी मेहनत है वो पानी में चली जाएगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का देखो, इस समय पर ध्यान रखो, क्योंकि ये जो फेज है ये मौसम बदलने का फेज है, इस समय पर बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं आपको, कफ, फीवर, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बच करके रहना है, अपने आपको बचा करके रखना है, केवल रिवीजन और प्रैक्टिस ही नहीं अपना स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट कहने वाला हूं वो ये है कि इस समय पर आपको अपनी नींद का शेड्यूल सही करना है। कई स्टूडेंट देखिए ऐसे होते हैं कि आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है, आप सभी को पता है, अब सेकेंड शिफ्ट में उनको हो सकता है कि सोने की आदत हो, क्योंकि रात भर पढ़ रहे हैं तो दिन में सोने की आदत है, या फिर किसी को ऐसा हो सकता है कि उसमें उस समय पर टहलने की आदत है, ठीक है, किसी को उस समय पर बाहर घूमने की आदत है, किसी को खाना खाने की आदत है, तो इस समय पर आपको उस सेकंड शिफ्ट में पेपर सॉल्व करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई इसमें देखो इसमें क्लास नहीं लेनी है, इसमें पेपर सॉल्व करना है और खुद से पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पर आपको क्लास नहीं लेनी, उस समय पर क्लास नहीं लेनी है, वहां पर आपको उस समय पर पेपर सॉल्व करना है, तो आपको पेपर सॉल्व करना है उस समय पर, प्रैक्टिस करो डेली उस समय, अपना रूटीन चेंज करो। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपना बॉडी का जो टाइम टेबल है उसको मैनेज करो। हर एक व्यक्ति की देखो बॉडी का टाइम टेबल होता है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अब उसको धीरे धीरे करके चेंज करना शुरू करो। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि केवल एग्जाम का 1 दिन बचा है 2 दिन बचा है आप उसको कवर कर लोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग को और बॉडी को वैसे ही आदत पड़ जाती है इतने समय से। अगर आप 6-7 महीने से उसी रूटीन में है और आप सोच रहे हैं कि केवल 2 दिन में मैं उस रूटीन को चेंज कर दूंगा या कर दूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, उसको चेंज करो। अगर आप रात में पढ़ने वाले हैं तो उसको अब धीरे धीरे करके आप अपना टाइम टेबल चेंज करें और सेकंड शिफ्ट में आपको डेली से डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 चीज जो मैंने अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बोलने वाला हूं, ऐसे स्टूडेंट जो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो डर रहे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी एग्जाम देने जाना है तो क्या करें, जाएं या ना जाएं, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके मन में यह भाव आता होगा कि जाएं या ना जाएं, तो देखो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, में ज्योग्राफी का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इसको बाकी आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि कैसे कैसे यूनिट कौन सी प्रिपेयर करनी होती हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और ज्योग्राफिकल थॉट, इंडियन ज्योग्राफी, ये अगर आपके प्रिपेयर हैं। बाकी यूनिट्स का मैंने नाम इसलिए नहीं लिया, अभी मैं बताऊंगा। अगर इन यूनिट्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, चार पांच जो यूनिट मैंने नाम लिए हैं, और इसके अलावा पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इनके अगर आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरीज, ये जो बाकी इन चार जो मैंने शुरू में नाम लिया चार पांच, इसके अलावा बाकी जो यूनिट्स बची हुई हैं चार पांच, उनके आपको थ्योरीज अगर अच्छे से पता है तो आपका काम बन जाएगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं फिर कहूंगा, आपने जितना पढ़ा है उस पर सबसे ज्यादा भरोसा रखो, जितना आपने पढ़ा है उसको 100% मानो। मैंने भी अभी कुछ आपसे बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक जर्नल बात कह रहा हूं। स्पेसिफिक बात हर एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिक बात वो आपको पता है, वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं एक जर्नल आपको आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, आप उसको अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार, अपना जो आपका हर एक इंसान का अपना तरीका होता है उसके अनुसार, उसमें कुछ डिमोलिशन, उसमें आप उसमें मैनिपुलेशन करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको उसकी छूट है बिल्कुल। इसके अलावा देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट अब जो पॉइंट है, वो जो मैं कहने वाला हूं आपसे, कि आपको अपना टाइम इस समय पे सबसे ज्यादा बचाना है। आपको जो सोशल मीडिया है उस पर ध्यान नहीं देना ज्यादा, सारी चीजें इस समय पर बंद कर दो। कोई पार्टी अटेंड करनी है उसको बंद कर दो। यही देखो 10 दिन की बात है केवल, ये शादी ब्याह पार्टी ये सारी चीजें दोबारा से आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जाम का टाइम है ये बार बार नहीं आएगा। एक बार अगर चले जाता है तो फिर समय आपका हाथ से निकल ही रहा है। ऐसा नहीं कि आप अगला अटेम्प्ट दे दोगे फिर उसका अटेम्प्ट, वो दे दोगे आप, लेकिन आपकी एज तो इंक्रीज हो रही है ना, एज तो वापस नहीं आएगी। तो इसका ध्यान रखो कि ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया और ये यूट्यूब पर एनालिसिस वाली वीडियो देखना कि एग्जाम में पेपर कैसा आया, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आप सभी को पता है एग्जाम का लेवल, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि एग्जाम का लेवल उतना ही है, 70% से आज तक आपका यह स्कोर नहीं गया है। जो NTAGSNET है उसमें ज्योग्राफी का मैं बात कर रहा हूँ, 70% 69 मैक्सिमम गई है, मैं 70 बोल रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 69% है। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम की जो आपका लेवल है वो इक्वल रहता है हर समय पर। और इस बात को आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो फील करेंगे मेरी। अभी आप सोच रहे होंगे ना जाने क्या एग्जाम में आ जाएगा, कैसा लेवल होगा, लेकिन हमेशा इक्वल लेवल रहता है, तो उसको ध्यान में रखो, ठीक है। ये एनालिसिस वाली वीडियो देख करके, कैसा उस एग्जाम में आया था, कैसा उस अटेम्प्ट में आया था, हमारे अटेम्प्ट में कैसा आ जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। एग्जाम जैसा था वैसा रहेगा, आपने इतने सारे PYQ सॉल्व किए हैं, जैसा उनमें लेवल था वैसा ही लेवल रहेगा, बस थोड़े से क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट में से जो सिलेबस में आपको दिया है उसमें से ही पूछा जाएगा, बाहर कुछ नहीं आता है। तो बाहर अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सिलेबस तो आपने पढ़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस वाली वीडियोस में अपना टाइम देखने की, अपना टाइम खराब करने की इस समय पर जरूरत नहीं है, ये मैं आपसे बिल्कुल दरख्वास्त करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अपना जो टाइम है उसको इस समय पर बचाओ, ठीक है। और जो आपने पढ़ा है उस पढ़े हुए सिलेबस को ही 100% मानते हुए एग्जाम में इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि इसमें से जो आएगा आप उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, आप उसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर देखो ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो जो आपने करा है उसको भी आप गलत कर जाओगे। और इसके अलावा जो मैं आपको कहूंगा कि इस समय पर आपको देखो प्रैक्टिस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन के साथ साथ लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करना है। आप डेली मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं अकेडमी स्पेशल क्लासेस में, जो कि बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अकेडमी पर डेली स्पेशल क्लासेस लेता हूं PYQs की, और जो स्पेशल क्लास लेते हैं उन सभी को इस बात का अब अंदाजा हो गया होगा, लगभग 2 महीने से आप मेरे साथ स्पेशल क्लास पर फ्री क्लासेस कर रहे हैं PYQs की, कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, चाहे आपको नॉलेज कितनी हो, मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम क्रैक करना नॉलेज का गेम नहीं है। मैंने मास्टर्स के MA के फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया एग्जाम, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है। इसका मतलब ये है कि एग्जाम की मैं उन रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझता हूँ। मेरे से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, और मेरे साथ जो पढ़ते हैं उनको भी बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन एग्जाम क्रैक करना नॉलेज का गेम नहीं है। वो क्यों नहीं कर पाए और बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको एग्जाम के रिक्वायरमेंट में एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं पता होती है। उसको समझो, एग्जाम केवल नॉलेज का गेम नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने लगभग डेढ़ महीना मैंने लगातार प्रैक्टिस करी है एग्जाम से। उस समय मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये सारी बातें अब देखो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप उन सब चीजों को अप्लाई करो और अच्छे से अच्छा अपना आउटपुट ले पाओ। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस ना करने के चक्कर में आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें फंस के रह जाओगे, क्योंकि वो आपके सामने ऐसा चक्रव्यूह बुनते हैं क्वेश्चन का,
कि वो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। फिर जब आप क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हो, आंसर की पता लगती है, तब समझ में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो इसका आंसर कुछ और होता। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस से आती है चीजें कि आपको समझ में आए कि एंटी आपको कहां पर फंसा रही है, कहां पर आपको उससे बच करके निकलना है, कहां पर साफ रास्ता है, कहां पर टेढ़े मेढ़ा रास्ता है, कहां पर खड्डे हैं। ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आप मेरे साथ डेली कर सकते हैं, वहां पर आपको फ्री चीजें मिल जाएंगी। अब इसके बाद जो कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किए थे कि सर इस समय पर क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, क्या उनको ज्वाइन करें? देखिए, आप क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो आपको थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी। अब आप रिविजन कब करेंगे? आप 10 दिन केवल बचे हैं आपके पास, रिवाइज करो। जितना पढ़ लिया है वही 100% है। बस मैं बार बार ये कहूंगा, चाहे किसी के भी क्रैश कोर्सेज चले, चाहे कितने अच्छे आपको क्रैश कोर्सेज मिल रहे हैं, ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं आपको यही बोलूंगा। और अगर आप करना चाहते हैं फिर भी आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में जिस दिन जाएंगे तो उस दिन मेरी बात को रिवाइज आप याद करेंगे और देखेंगे, फिर पाएंगे कि मैंने जो कहा था इस समय पर अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपके लिए हानिकारक होगा, वो सही हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने जो चीजें पढ़ी थी वो एग्जाम में अगर आ गई और उनको आप सॉल्व नहीं कर पाए, किस लिए? कि आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया था और जो पढ़ा हुआ था उसको ही रिवाइज नहीं करा। तो फिर क्या होगा? जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन भी गलत हुए, और क्रैश कोर्स जो था वो तो क्रैश कोर्स था, शॉर्ट में चीजें बताई थी, उसकी चीजें वैसे ही सॉल्व आपसे नहीं हुई, तो बस पूरा पेपर खराब हो गया। और अगर आप केवल अपना मान लीजिए 50% करके जाते हैं, 50-60% जो सिलेबस किया था और उसमें आपका नेट हो जाता, तो अब आपका नेट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओ कि कम से कम अगर जिनकी प्रिपरेशन नहीं है तो नेट तो हो जाए, और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है तो मैं सब कहूंगा कि आप उसको JRF में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो JRF आपका निश्चित रूप से इसी बार हो सकता है। एग्जाम का लेवल कोई बड़ा नहीं होता है, एग्जाम का लेवल निश्चित होता है, बस आपकी तैयारी है जो बताती है। और कुछ ये जो निश्चित पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका नेट होगा या JRF होगा या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा, अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो चाहे आपने कितना ही पढ़ा है, कितनी बुक्स पढ़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझते हो, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसी का तो जवाब देंगे आप। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है आप एनटीए को ये बोल दोगे कि नहीं हमने तो ये पढ़ा है, ये क्यों नहीं पूछ रहे। वो जो पूछ रहे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो डिमांड है, आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। ये इसका ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है, आपने 20 किताबें पढ़ी हैं, 25 किताबें पढ़ी हैं, आपने 10-10 घंटे पढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, आपको उनके डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। इस बात को सबसे पहले आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आप पे भरोसा आपको रखना है। घबराना नहीं है एग्जाम से, नजदीक है एग्जाम, बिल्कुल भी मत घबराओ। सबसे सबको डर लगता है, मैं फिर कहूंगा सबको डर लगता है जब तैयारी करते हैं, तो सभी को डर लगता है। ऐसा कोई नहीं है जो एग्जाम के 10-12 दिन बचे हुए हैं तो किसी को डर ना लगे, सबको डर लगता है। ठीक है, जितने एजुकेटर पढ़ा रहे हैं जब वो एग्जाम देते थे तो उनके मन में भी घबराहट होती है। इसका मतलब है कि आपको अपने फ्यूचर की चिंता है। ठीक है, तभी तो घबराहट हो रही है। जिनको फ्यूचर की चिंता नहीं होती उनको घबराहट नहीं होती है। तो मैं फिर भी कहूंगा कि धैर्य बनाए रखो, एग्जाम का लेवल बराबर होता है। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जिनमें एग्जाम के बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही होंगी, लेकिन आप इस बात को मेरी याद करोगे, एग्जाम हॉल में जब जाओगे पेपर देखोगे और मुस्कुराओगे कि एग्जाम का लेवल जैसा था वैसा ही है, सेम तरीके के क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। 2-4-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा ऐसे आते हैं कि किसी को पता नहीं होता है, उनसे तो आपका JRF नहीं रुक जाएगा ना। अगर आप 80-85 क्वेश्चन कर रहे हो और 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको हवा नहीं लगी, तो आपका JRF तो नहीं रुकेगा। 85 क्वेश्चन तो ऐसे है ना जिनसे JRF हो जाएगा, तो उन 15 क्वेश्चन पर ही क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? 85 को सॉल्व करो जो इजी टू मॉडरेट है और अपने JRF लो। तो ऐसी चीजें बनाओ, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जिनसे JRF हो। 15 क्वेश्चन को देख के अपना दिमाग खराब मत करो। अगर 85 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है तो एग्जाम का लेवल टफ थोड़ी है, इजी टू मॉडरेट है। तो ऐसी वीडियो देख करके अपना दिमाग खराब ना करें, अपना समय खराब ना करें, अपना टाइम बचाओ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, एग्जाम से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सारी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था। आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी और कुछ अंदर से स्ट्रांग फील आप कर रहे होंगे। तो अगर आपको कुछ इससे नया मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर देना। इसके अलावा आपके पास कोई और इससे अच्छी बेहतर स्ट्रेटेजी है तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसको ज़रूर शेयर करूंगा आपके सभी के साथ। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।